नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट के इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले भारांक के खिलाफ पहले ही श्री शैलेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा एक याचिका डाली गई थी, जो कि मामला अभी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। और फिर से एक नई याचिका भारांक के खिलाफ डाली गई थी, जिसकी सुनवाई आज दिनांक 29 अप्रैल 2019 को संपन्न हो गई है। दोस्तों, कोर्ट का क्या कुछ ऑर्डर रहा है और क्या कुछ नया इस केस में हुआ है और अगली सुनवाई कब होगी, पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जो नई याचिका डाली गई है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल 2019 को यह डाली गई थी और फाइलिंग डेट आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 2019। दोस्तों, फर्स्ट हियरिंग डेट आप देख सकते हैं 29 अप्रैल 2019, यानी आज ही यह सुनवाई हुई है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट 28 जुलाई 2019 को संभावित है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि याचिकाकर्ता जो हैं श्री मुकेश राय जी हैं और 59 अदर्स ने इस याचिका को फाइल किया है। और यही सब डिटेल है दोस्तों। और क्या कुछ ऑर्डर रहा है इस केस में, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट पिटीशन नंबर 6614 ऑफ 2019, और ये कोर्ट ऑर्डर भी उसी केस के लिए है, 6614 ऑफ 2019, और ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 29 में सुना गया है। दोस्तों, ये है पूरा कोर्ट ऑर्डर, आप देख सकते हैं 29 अप्रैल 2019 का ही है। और इसमें ये बातें कही गई हैं, आप पहले पैरा में देख सकते हैं कौन किसके वकील हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। और उसके बाद से सिंस द पॉइंट इन्वॉल्व्ड इन दिस पिटीशन इज आइडेंटिकल टू इन्वॉल्व इन रिट ए नंबर 27665 ऑफ 2018। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस केस में जो कुछ भी बातें हैं वह बिल्कुल सेम है जैसा कि याचिका संख्या 27665 ऑफ 2018, जो कि पहले मैंने आप लोग को बताया कि श्री शैलेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा एक याचिका डाली गई थी भारांक के खिलाफ, उसी के संदर्भ में इसमें बात कही जा रही है। आगे पढ़ते हैं, लेट दिस पिटीशन बी लिस्टेड अलॉन्ग विथ रिकॉर्ड ऑफ एवर रिट पिटीशन फॉर फाइनल डिस्पोजल। दोस्तों, अब इसमें फाइनल मीन्स एक फाइनल सुनवाई के लिए इसमें बोला गया है। और इस केस को उस पहले वाले केस जो कि श्री शैलेंद्र कुमार जी द्वारा डाली गई थी उसके साथ लिंक कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, इन द मीन टाइम लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट मे सीक इंस्ट्रक्शंस एंड इफ नेसेसरी फाइल अ रिप्लाई। दोस्तों, इसमें जितने भी रिस्पॉन्डेंट हैं उन सभी से जवाब मांगा गया है। और यही कुछ है इसमें कोर्ट ऑर्डर में, आप पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब इस केस की अगली सुनवाई जो होने वाली है वह दिनांक 28 जुलाई 2019 को होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।